हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुबह सुबह अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। और गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज का मौसम आज भी ख़राब है गाइस, देख सकते हैं। कल हम लोग ना शाम को थोड़ा सा, जो मेरे दीदी का बेटा है गाइस, उसके बर्थडे में हम लोग चले गए थे। तो उधर से लौटने के समय ना इतना तेज आंधी तूफान आया था गाइस, तो ना हम लोग वहीं पे थे ना अपने घर में थे, बीच में ही हम लोग रुक गए थे गाइस। क्योंकि बहुत जो टोटो था ना, टोटो में हम लोग आ रहे थे, तो इतना तेज आंधी और पानी कि टोटो चल भी नहीं पा रहा था गाइस, यानी आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इसी वजह से हम लोग वहीं रुक गए थे। तो मेरा जो आंधी तूफान आया था गाइस, तो कुछ कुछ मेरा जो लकड़ी है और गोइठा है चूल्हा जलाने के लिए, और चूल्हा है मेरा बाहर में ही रह गया था गाइस। हम लोग नहीं जान रहे थे किस पानी आ जाएगा, पर ना हम लोग शाम को गए थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था, ठीक ठाक था, एकदम साफ था, नहीं लग रहा था कि पानी आएगा। पर अचानक ही आ गई बारिश, तो मेरा जो चूल्हा था गाइस एकदम पूरा भींग चुका है। और रात को हम लोग जब आए थे ना, तो लाइन पूरा कटा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और गर्मी का भी मौसम है तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस। तो मैं ना बरामदा में ही दरवाज़ा खुला करके सोई थी रात में, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी था गाइस। और इस आंगन का देख सकते क्या हाल है, एक दिन पहले ही इस आंगन की लिपाई किए थे क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, तो इसलिए लिपाई शाम को किए थे गाइस, क्योंकि हम लोग को सोने के लिए हो जाता है बाहर में। तो अभी जा रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए, तो देख सकते मेरा चूल्हा का क्या हाल हुआ है गाइस, क्योंकि बाहर में ही छूट गया था। और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज भी पानी आने का लग रहा है कि जैसे पानी आज भी गिरेगी। तो गाइस मेरा ना जो मिट्टी डाला हुआ चूल्हा था गाइस, वाला नहीं जलाए थे, क्योंकि जलाती ना तो वो भी चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि मिट्टी जो था गाइस चूल्हा का बहुत भींगा हुआ था, तो चूल्हा मेरा नहीं जलता, क्योंकि लकड़ी और गोइठा भी भींगा हुआ था। तो इसी वजह से ना मैं दूसरा चूल्हा जलाई हूँ, और इस चूल्हे में ना मिट्टी नहीं डाला हुआ है गाइस, तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। तो अभी चूल्हा मेरा जल चुका है गाइस, वैसे मैं हीटर में ही खाना बना लेती हूँ या गैस में ही। तो ना उधर से जिससे में हम लोग आ रहे थे गाइस, और बरसात में फंसे हुए थे, तो हम लोगों को ना उधर ही रात हो गई थी, तकरीबन 9 बज चुकी थी हम लोग का उधर ही गाइस, यानी जाम जो आंधी बारिश आई थी तो उधर ही फंसे हुए थे। तो आते आते हम लोग का 10 बज चुका था घर, और वही मैं हम लोग सोच रहे थे कि खाना कैसे बनेगा। तो उधर से आते समय ना मैं जो पाउच वाला दूध होता है गाइस, दूध और ब्रेड लेके आई थी, पर ना हमको पता नहीं था कि गैस ख़त्म हो चुका है। तो आते समय श्रद्धा बताई थी कि गैस ख़त्म हो चुका है, तो इसी वजह से हम लोग दूध वगैरह भी लेते आए उधर से कि खाना कैसे बनेगा। तो गैस दूध तो दूसरा के घर में हम लोग गरम कर लिए थे, और रात में बचे लोग दूध और ब्रेड खा के ही सोए थे गैस, क्योंकि गैस भी ख़त्म हो चुकी थी। और जो लाइन में खाना बनता है गैस, तो लाइन भी तूफान के चलते लाइन भी नहीं आई थी, तो बहुत दिक्कत हुआ था रात में। और अभी देख सकते हैं कि मेरा आंगन भी पूरा ख़राब हो चुका है, और अभी सुबह सुबह मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और पानी का मौसम आज भी किया हुआ है। कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा गर्मी था, इतनी ज़्यादा कड़ा धूप की लग रहा था कि पानी कब गिरेगा, पर ना अचानक पानी आने से ना गाइस पूरा घर तहस नहस हो गया, अंदर में पानी भी जमा हो गई थी।
तो गैस मेरा इधर का आंगन का झाड़ू लग चुका है और यहाँ पे जो पपीता वगैरह लगाए थे गैस, तो पानी से जो यानी 4 पौधे मैं पपीता का लगाई थी तो 1 पौधा मेरा गल चुका है क्योंकि पानी अचानक आया था गैस। तो इधर पानी थोड़ा बहुत जमा हो जाता है बरसात का पानी, उसी वजह से ना इधर का जो पौधा था ख़राब हो चुका है। तो गैस मेरा देख सकते चूल्हा जल चुका है और इधर का चूल्हा मेरा पूरा ख़राब है। तो अभी चूल्हा पूरी तरह से जला नहीं है तो जा रहे इसमें थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल के रख देती हूँ तब तक, क्योंकि अभी चूल्हा नहीं जलाऊंगी जब तक ये मिट्टी पूरा सूखेगा नहीं तब तक चूल्हा जलेगा नहीं गैस। चाहे जितना भी जला ले पर मिट्टी जब तक सूखता नहीं है तब तक चूल्हा जलता नहीं है गैस। तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बरसात में बाहर ही रह गया था तो बरसात के पानी से मेरा चूल्हा भींग के फूट चुका है गैस। तो अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें लगा दे रही हूँ फिर से और इसको डाल दूँगी धूप में सूखने के लिए। अगर धूप आ जाएगा तो धूप से सूख जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे 3-4 दिन में मिट्टी का चूल्हा सूख ही जाएगा। तब तक गैस या हीटर में बनाऊंगी कि और गैस भी डलाने जाना था गैस क्योंकि थोड़ा बहुत कोयला था और ज़्यादा कोयला भी नहीं था गैस, यानी कोयला ख़त्म हो चुका था। तो इसी वजह से अभी जो काम मेरा हो जाएगा यानी घर का टोटल काम हो जाएगा गैस, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जाऊंगी गैस डलवाने के लिए क्योंकि अभी तो काम मेरा चल जा रहा है चूल्हा से पर कोयला भी नहीं था घर में तो गैस नहीं रहेगा तो शाम में खाना कैसे बनेगा गैस। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि घर का जो काम है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तब तक दुकान भी खुल जाएगा और उसके बाद मैं गैस डलवा लूँगी। तो अभी चूल्हा पर ही आज खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि चूल्हा पे इसलिए गैस लाइन भी नहीं है और गैस भी मेरा ख़त्म हो चुका है इसी वजह से चूल्हा जलाना पड़ा। तो अभी डाल दे रही हूँ मिट्टी और मेरा मिट्टी का चूल्हा सूखने में कम से कम 4-5 दिन लग ही जाएगा सूखने में, उसके बाद ही इस चूल्हे को जलाऊंगी। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी गैस, यानी लग रहा था कि जैसे बरसात आ गई है। तो एकदम अभी भी सुबह सुबह बहुत तेज़ हवा चल रहा था बाहर में और ना बाहर में इतना तेज़ हवा चल रहा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं सोच रही थी कि अगर मिट्टी का चूल्हा फिर से बाहर रह गया तो फिर से मेरा दोबारा मेहनत हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मिट्टी डाल के उसके बाद थोड़ा सा अंदर रख दूँगी इसको और उसके बाद ही कुछ करूँगी गैस। क्योंकि पानी हल्का हल्का जो था यानी जो होता है गैस टिपटिपाहट टाइप का उस तरह से पानी हो रही थी हल्का हल्का, पर यानी पूरा ज़ोर से बारिश नहीं आई थी सिर्फ हल्का हल्का सुबह में ही लगा दिया था गैस। तो मेरा देख सकते हैं कि चूल्हा जल चुका है, अब जा रही हूँ थोड़ा सा खाना वगैरह चढ़ा देती हूँ। यानी मेरा मिट्टी का चूल्हा कंप्लीट हो गया है गैस और यही चूल्हा फूट जाता था कितना ख़राब लग रहा था। अभी कुछ देर पहले ही चूल्हा मेरा पूरा ख़राब लग रहा था और मिट्टी इसलिए डाल देती हूँ जो लोहा का टीना है गैस, जो लोहा है चूल्हा का ना, इस मिट्टी डाल देने से बहुत दिन चलता है। और इस तरह से जो चूल्हा रहता है ना सिर्फ टीना का और इस तरह से चूल्हा जलाती हूँ ना तो बहुत जल्दी ही जो चदरा रहता है गैस गल जाता है आगे से, और मिट्टी डाल देने से ना थोड़ा सा चूल्हा बहुत दिन तक चलता है। इसी वजह से हम लोग ना जो टीन का चूल्हा रहता है हम लोग डाल देते हैं। और अब मेरा देख सकते हैं गैस घर पूरा अंधेरा अंधेरा है और एक जरा भी नज़र नहीं आ रहा है किचन में क्योंकि लाइन कटा हुआ था। तो आज खाना मैं बाहर ही बनाऊंगी। तो गैस अभी लगा ले रही हूँ झाड़ू और अंदर मेरा झाड़ू लग चुका था, अंदर बहुत अंधेरा था गैस क्योंकि लाइन नहीं थी रात से। तो अंदर मैं झाड़ू लगा ली हूँ यानी मोबाइल के लाइट से ही अंदर झाड़ू लगा ली हूँ और अभी बरामदा झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद श्रद्धा उठेगी तो पोछा वगैरह लगाएगी क्योंकि सुबह ही मेरा आंगनबाड़ी है तो अभी थोड़ा बहुत काम करके चली जाऊँगी आंगनबाड़ी और उधर से छुट्टी मेरा हो जाएगा आंगनबाड़ी का तो थोड़ा सा बाज़ार जाने वाली हूँ क्योंकि आज जो गैस है गैस सिलेंडर है आज लेके जाने वाली हूँ। ऐसे श्रद्धा का पापा रहते हैं तो गैस डलवा देते हैं पर हस्बैंड यहाँ नहीं थे तो मुझे ही जाना होगा। और जो नाइटी है गैस
और नाइटी भी लाने वाली थी, यानी नाइटी पहनने से थोड़ा आराम लगता है गैस, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि बाज़ार जाके गैस सिलेंडर भी भरवा लाती हूँ और एक दो ठो नाइटी भी लेना था गैस। तो इसी वजह से मैं अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ बाहर, और अंदर मेरा झाड़ू लग चुका था, बाहर भी झाड़ू लग चुका था, और ना यहाँ पे चढ़ा दिए थे, बाहर में ही आज खाना चढ़ा रहे थे, क्योंकि अंदर जो किचन था मेरा गैस लाइन नहीं था, लाइन नहीं रहने के कारण किचन बहुत ही अंधेरा लग रहा था और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से चूल्हा आज बाहर में ही रखे हैं, और पानी भी हल्का हल्का गिर ही रहा था, थोड़ा थोड़ा फिसफिसाहट टाइप के, और फिर भी बाहर में रख दिए थे गैस क्योंकि अंदर अंधेरा था, जब ज़ोर से पानी आ जाएगा तो फिर अंदर रख के खाना बना लूँगी। तो अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, झाड़ू लग जाएगा तो पोछा वगैरह लगाना होगा। और पहले और गैस अभी ठीक से बरसात भी नहीं आई है, और अभी से ही मेरा दिक्कत शुरू हो गया, यानी बरसात में बहुत दिक्कत होती है, चारों तरफ पानी जमा हुआ रहता आंगन में, और कुछ भी काम करने निकलती हूँ गैस तो पानी में ही पैर आ जाता है, यानी मेरा जो आंगन है ना यहीं पे जमा हुआ रहता है। तो बरसात हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, घर में भी पानी, बाहर में भी पानी, यानी अंदर भी भींगा भींगा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है गैस। और अभी बरसात भी नहीं आई और अभी से मेरा दिक्कत शुरू हो गया, मेरा घर आंगन अभी से ही गीला गीला हो गया है, तो देख सकते हैं मेरा इधर का आंगन कितना भींगा हुआ है गैस, या अभी से ही थोड़ा बहुत पानी, यानी रात में जब पानी गिरे थी ना तो बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पे, तो सारा पानी यहीं आंगन में सोख लिया, थोड़ा बहुत और पानी है, यानी निकलने का जगह नहीं है गैस। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे जो होता है पक्का वगैरह यहाँ कर देंगे, पर अभी हुआ नहीं है, अगर पक्का हो जाएगा गैस तो थोड़ी राहत हो जाएगी हम लोगों को, क्योंकि इस आंगन में पानी जमा हुआ रहता है ना तो बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और मिट्टी का आंगन है ना तो पानी जमा हुआ रहता है गैस तो कीचड़ टाइप का हो जाता है, यानी बाहर जब भी आंगन में निकलते हैं ना तो पैर पूरा कीचड़ से भर जाता है गैस, और इस वजह से ना घर भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है बरसात में, क्योंकि आंगन पूरा गीला हुआ रहता है और पूरा जैसे कादा टाइप का होता है नाली का जो गैस, उस तरह से मेरा आंगन हो जाता है, यानी बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो रात में वो सही तरह का दिक्कत हो रहा था क्योंकि इस आंगन में बहुत ज़्यादा पानी जमा था, तो रात भर में जो पानी था गैस यहाँ सूख चुका है और थोड़ा बहुत है, और अभी भी देख सकते हैं हल्का हल्का फिसफिसाहट हो रही है। तो अभी चूल्हा जा रही हूँ मैं अंदर करने, और अंदर में ही खाना बनाऊँगी, चाहे जैसे बनाए अंधेला में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मैं सोच रही थी कि खाना बनाऊँगी, पर ना बाहर हल्का हल्का बारिश शुरू हो गई थी, यानी रात में भी बारिश हुई थी, रात में तूफान के साथ बारिश आई थी, और अभी हल्का हल्का बारिश शुरू हो गई, तो जा रही हूँ अंदर और अंदर में ही खाना बनाऊँगी। तो गैस मैं आ चुकी हूँ, गैस सिलेंडर भरवा के पहले गई थी आंगनबाड़ी, और उधर से छुट्टी हुआ था गैस मेरा 10 बजे, तो बाबू को लेके चले गए थे बाज़ार क्योंकि गैस मेरा ख़त्म हो चुका था। तो और उधर से नाइटी भी लेते आई हूँ, और उधर से आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था गैस, इसी वजह से यहाँ पंखा वगैरह चालू करके थोड़ा सा हवा खा ले रही हूँ, और आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अलग कलर भी है, डिजाइन भी है, अच्छा लग रहा था पानी खरीद, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था डिजाइन जो है इसका, तो यही वाला पसंद था बाबू का, तो बाबू ही पसंद किया था मेरा नाइटी, और नाइटी पहन के काम करने में थोड़ा सा आराम मिलता है गैस, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में थोड़ा सा ढीला ढाला कपड़ा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा हवा आता है, और साड़ी वगैरह कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ, घर में नहीं पहनती हूँ गैस क्योंकि काम करने में बहुत दिक्कत होती है, और अभी गर्मी भी है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है गैस। तो जा रही हूँ थोड़ा बहुत, यानी मेरा हाइट है थोड़ा सा छोटा है, और ये जो नाइटी है फ्री साइज है गैस, तो थोड़ा बहुत नीचे इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, यानी कट नहीं करूंगी, थोड़ा सा छोटा करके तो जा रही हूँ सिलाई करने।